गरीब के लिए घर बनाना भी पहुंच से बाहर हो गया। सीमेंट की कीमतों में हो रुपये इजाफा, सीमेंट की फी बोरी कीमत में 50 रुपए का इजाफा, फी बोरी कीमत 900 रुपए हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। ये गरीब आदमी तो अपना मकान बना नहीं सकता, दिन ब दिन सीमेंट के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप फिर 50 रुपए और बढ़ा दिया है, रेट बढ़ गया है, लोग तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा किस तरीके से जो उनसे बजट पूरा करेंगे अपने मकान बनाने का। किनारे खोखले निकले, कहरोड़ पक्का में दो हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर पर आटा गायब। शहरी पेट की आग बुझाने के लिए मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से सब्सिडाइज आटे की मार्केट में दस्तियाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा। आदमी के लिए मोटरसाइकिल की सवारी भी भारी हो गई। मोटरसाइकिल के पुर्जे 100 से 80% तक महंगे हो गए। मोटरसाइकिल चलाने वाले और डीलर्स परेशान। डीलर्स का कहना है कि स्पेयर पार्ट्स महंगे होते रहे तो आम आदमी मोटरसाइकिल चलाना छोड़ देगा। हुकूमत का किसानों से खिलवाड़। भावलपुर में किसान खाद के वसूल के लिए खार हो गए। सस्ती तो दूर, किसानों को महंगी खाद भी दस्तयाब नहीं। हुकूमत ने एक हफ्ता कबल खाद की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। उधर डीलर्स हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद से गुरेजा, कहते हैं हुकूमत ने एतमाद में लिए बगैर खाद की कीमतों में कमी का ऐलान किया। 2 जून को हुकूमत से मुजाकरात में फैसला होगा। जनूबी पंजाब में भी जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लिया, मुल्तान, भावलनगर, सरगोधा समेत दिगर इलाकों में रैलियां। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद सफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान के लिए फिक्रमंदी की जरूरत है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत से शायद जरूरिया की कीमतों में 50% कमी का मुतालबा। सत्रह में जिमनी इलेक्शन, डी सीट एम पी ए सलमान नईम का वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को बड़ा चैलेंज। बोले, अगर शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़े तो मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए हमजा शहबाज को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बाकायदा साजिश के तहत हटाई गई। पीटीआई के एमएनए अमजद अली खान नियासी कहते हैं साजिश और खून खराबा रोकने के लिए 25 मई को वापसी का फैसला। भकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, हो सकता है अगला मार्च डीजी खान जनूबी पंजाब से शुरू हो। टैक्स की वसूली के लिए 30 और 31 मई को दफातर के औकात कार में तौसी। एफबीआर ने लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस को मिरासला अरसाल कर दिया। 30 मई को दफातर 8 और 31 मई को रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। चीफ कमिश्नर को दफातर में अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। मुल्तान समेत पूर्वी पंजाब में बिजली की गैर ऐलानी लोड शेडिंग, मामूलाते जिंदगी मुतासिर। मुल्तान में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई, शहरियों का जीना महाल हो गया। रहीम यार खान में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे से तजावुज कर गया। कारोबार मुतासिर, ताजर और शहरी हुकूमत से शिकवा कुना। माशाल्लाह स्कूल जाते हैं, हर चीज़ है, मगर वो ये है कि वो परेशानी है हमें खाना पकाने की भी और हर चीज़ की, क्योंकि घर में गर्मी होती है, लोग किचन में नहीं जा सकते बच्चे। बिजली चोरों के खिलाफ मेपको इंतजामिया इन एक्शन। जनूबी पंजाब में एक रोज में 99 बिजली चोर पकड़े गए। 1,67,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 26,68,000 रुपये जुर्माना आए। मुल्तान में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन का 55वां कॉन्वोकेशन। मेहमान खसूसी प्रिंसिपल डॉक्टर मनीर नासिर ने तलबा में डिग्रियां और इनाम तकसीम किए। तकरीब में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन सदर शोएब शफीक समेत दिगर की शिरकत। बिहाड़ी में जनूबी पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट तीरंदेज चैंपियनशिप, एमपीएम मियां साकिब खुर्शीद की जानिब से मुकाबलों का इफ्तिताह। 8 इस्लाह के तीर अंदाजों ने अपने फन के जोहर दिखाए। खवातीन भी तीर अंदाजी में पेश रहीं।
खातून खिलाड़ियों का कहना था कि पंजाब की सतह पर तीर अंदाजी के मुकाबले होना जरूरी है। मुल्तानियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। गर्मी भगाने के लिए मुल्तान में शहरियों का स्विमिंग पूल पर रश, दोस्तों के साथ खूब डुबकियां लगाई। पूल में नहाने के साथ साथ मुल्तानी आम से भी लुत्फानंदोज होते रहे। और गोलगप्पे जो खाए बार बार आए। मुल्तान में गोलगप्पों के पॉइंट्स पर रश बढ़ गया। गोलगप्पों के साथ शहरियों की खुशगप्पियां। शहरी गोलगप्पों और खट्टे पानी से खूब लुत्फानंदोज। गोलगप्पे महंगे होने पर शहरी शिकवा होना।